दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग होगा फिर से वीडियो एक बार दिन में और आज है 4 अप्रैल के दिन। बाकी और मेन घाट के आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ, सभी घाट के दर्शन कराऊंगा आज। लेकिन आज धूप बड़ी भयंकर लगी और आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को और चीज़ की भी जानकारी मिल पाएगी, सभी चीज़ की जानकारी दूंगा और सभी घाट की भीड़ दिखाऊंगा, दृश्य दिखाऊंगा, माँ गंगा के सभी घाट के दर्शन कराएंगे। चलते हैं अभी, मैं हूँ हाथी वाले पुल पर इस ब्रिज पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप लोग देखने चारों तरफ का व्यू देख सकते हो। और ये देखो सामने घाट की व्यू देख सकते हो, ये रहा जो आपको ये घाट दिख रहा ना, इसको बोलते हैं गऊ घाट। ये पूरा गऊ घाट है सामने तक, और वो सामने रहा जो उसे बोलते हैं सुभाष घाट, ठीक है। लेकिन इस घाट से हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस वाले घाट से, इस ब्रिज को पार करके, इसे बोलते हैं हाथी वाला पुल। इस पुल को पार करके हम निकलेंगे सामने, और सामने रहा यानी कि शिव घाट, आप लोग देख सकते हो वो रहा शिव घाट, और इस घाट को पार करके निकलेंगे। लेकिन बीचों बीच में एक लड़का आप लोगों को माँ गंगा को पार करते हुए दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा ये देखो भाई पूरी तरीके से, देखो गंगा को पार करते हुए दिख रहा है, देखो ये देख सकते हो दोस्तों पूरी तरीके से ये निकल चुका है, देख सकते हो आप। और ये इतनी भयंकर गंगा माँ को पार कर देते हैं यार, इन लोगों को तैरना आता है इसलिए ये लोग वहाँ से कूदेंगे, वहाँ से सुभाष घाट से कूदेंगे तो सामने निकलेंगे भाई वहाँ पे। तो आप लोग इस तरह की गलती नहीं करें, ठीक है। अगर आप लोगों को तैरना नहीं आता बस किनारे पे स्नान करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, और चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे और मेन घाट की और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। निकलते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर लग रही है, अच्छा लगता है। कल नाइट की व्यू आप लोगों ने देखेंगे, बहुत मज़ा आया रात में, रात के नज़ारे दिखाई थे आपको पूरी तरीके से, बहुत अच्छा भी लगा था रात में। लेकिन रात में ठंड काफ़ी थी यार भाई, क्योंकि दिन में इतनी भयंकर धूप है भाई, सच में बहुत ठंडी धूप है। रात में ठंड, दिन में धूप, लेकिन सांझ में आसमान में हमें थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग देख सकते हो। ये सामने आसमान में दिख रहे हैं आप लोगों को बादल दिख रहे होंगे, देखो थोड़े बहुत किनारे पे उस तरफ भी हम लोगों को बादल नज़र आएंगे, आप लोग देख सकते हो। देखो धूप भी है लेकिन थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, अभी हल्की फुल्की हवा भी चल रही है। निकलते हैं यहाँ से बराबर से, दर्शन कराएंगे हम लोग, चलो मज़ा आ रहा है सच में। निकलते हैं बराबर से, दर्शन कराएंगे, देख सकते हो दोस्तों हाथी वाले पुल को पार करके माच को शिव वाले घाट की, और यहाँ से आप लोगों को धीरे धीरे और हरिद्वार के मेन घाट दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ है इस घाट पे, देख रहे हो भाई जितनी भीड़ सामने वाले घाट में ना, उससे कुछ ज़्यादा भीड़ इस घाट पे आप लोग देख सकते हो। देखो कुछ ज़्यादा भीड़ है इस घाट पे, ये पूरा शिव घाट पे यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे घाट पे भीड़ भीड़ है। एक बार यहाँ से आप लोगों को माँ मनसा देवी मंदिर के हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ये देखो ये रहा मनसा देवी का मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा, ये देखो भाई जेरा ऊपर मनसा देवी का मंदिर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से दर्शन कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे और मेन घाट की ओर, ठीक है। अब इस घाट को पार करके निकलेंगे बाकी सीधे शिव पुल पे, और वहाँ से चलेंगे बाकी तो आप इस घाट पे स्नान करते हुए देखो काफ़ी लोग दिखाई देंगे पूरी तरीके से, और जो माँ गंगा को इस तरह से पार करते हुए दिखाई देंगे। देखो इस घाट पर ना काफ़ी ज़्यादा बहाव भी है और जल ज़्यादा भी है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बहाव भी है, जल भी काफ़ी है, ये देख लो पूरी तरीके से। यहाँ पे शिव भोलेनाथ की मूर्ति भी अभी बनी है, इसलिए इसे शिव घाट के नाम से प्रसिद्ध है पूरी तरीके से। ये देखिएगा भाई लोगों, देख लो पूरी तरीके से, और ये देखो बीच में कुछ लोग इस तरह से माँ गंगा जल को पार करते हुए दिखाई दे रहे, देखो बीचों बीच में देखो, ये देख सकते हो दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ शिव घाट के पार करके, लेकिन ये पूरा शिव घाट रहा आप लोग देख सकते हो। 4 अप्रैल के दिन काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं आज के, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। 4 अप्रैल के दिन शिव वाले घाट को पार करके मैं आ चुका हूँ, और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं आज के, ये देखिएगा जल भी पूरा क्लियर हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो, और काफ़ी श्रद्धालु पहुँचे हैं। ये देखिएगा भीड़ देख लो दोस्तों आज कितनी है, वो तो आप बाकी मेन घाट पे जाके पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, उससे पहले यहाँ से दर्शन कर सकते हो। ये देखिएगा सामने दोस्तों, अभी आप देख सकते हो बीच में शिव वाले घाट को पार करके, ये देखो गंगा जी के बीचों बीच धारा में भाई छोटे छोटे बच्चों को देख लो किस तरह से तैरते हुए निकल रहे हैं, देख रहे हो आप। ये देखो दोस्तों पूरी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को देख लो, ये देखो ये देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखो भाई ये देख लो गंगा जी को पार करते हुए निकल रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हो, ये देखो भाई पूरी तरीके से ये देखो निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो इस बड़ी सी धारा की ओर, मतलब कि कैसे तैर लेते हैं यार ये लोग, आप लोग देख सकते हो इतना बहाव रहता है महा गंगा जल में, और उसके बाद भी ये लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। कभी ऐसा होता है कहीं पे नीचे ज़मीन में तार वार फंसे होते तो उसमें पाँव वाँव फंसने का भी डर रहता है, इस तरह से नहीं किया जाए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। भले आपको कितना भी ज़्यादा तैरना आता हो तो इस तरह की गलती नहीं करें, बस किनारे पे स्नान करो आराम से जहाँ पे जल कम रहता है, या वहाँ पे करो, ऐसे बीचों बीच में जाना ठीक नहीं लगता है। अभी चलेंगे यहीं से धीरे धीरे और मेन घाट की ओर, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। ये देखो ये रहा शिव पुल, यहाँ से दर्शन कर सकते हो।
देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। और अभी तो मैं सामने घाट पे गया नहीं हूँ, अभी चलेंगे थोड़ा सा सामने और वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे पूरी तरीके से नए वाले घाट के नज़ारे। और बड़ी वाली धारा की तरफ तो आप लोगों ने देख ही लिया, दर्शन भी कर लिए पूरे अच्छे से। और इस घाट पर आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस घाट पर भी आप लोग देख सकते हो। चलेंगे नए वाले घाट की ओर और वहाँ के आप लोगों को दिव्य नज़ारे दिखाएंगे, दिव्य दर्शन कराएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा नाई घाट पूरी तरीके से, आप लोग लोग देख सकते हो ये सामने ये दिख रहा नाई घाट पूरी तरीके से। और ये देखो इसके सामने काफ़ी श्रद्धालु हैं और काफ़ी श्रद्धालु दिख भी रहे हैं, ये देख सकते हो पूरी तरीके से नज़ारे देख सकते हो। बाकी अभी मेन घाट की ओर चलेंगे, वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग यहाँ के दर्शन करिएगा। ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं आज के। और आप लोगों को बता ही दिया, गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लगी है भाई। दिन में बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन रात में अभी मौसम बढ़िया हो चुका है। रात में आए थे कल हम, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था और मतलब गर्मी का महसूस ही नहीं हो रहा था रात के समय, और अभी दिन में पता चल रहा है कि हाँ गर्मी है। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे और मेन घाट की ओर और वहाँ के भी कुछ दिव्य नज़ारे दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आप लोगों को। चलो चलते हैं यहाँ से। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जल का बहाव काफ़ी तेज़ है, आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखिएगा पूरी तरीके से। और अभी निकलते हैं यहाँ से आप सामने घाट की ओर और लोगों को वहाँ के दर्शन कराएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो, लेकिन गर्मी भयंकर है, आप लोगों को बता दिया मैंने पूरी तरीके से। चलते हैं यहाँ से आप जो मेन घाट है हरिद्वार के, वहाँ के भी आप लोगों को फटाफट से दर्शन कराते हैं। चलो ये देखिएगा दोस्तों, बड़ी वाली धारा की तरफ शिव वाले घाट की ओर काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पे स्नान करते हुए, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। अब चलेंगे हम मेन घाट पे, ठीक है, अब चलेंगे ब्रह्मकुंड घाट के और यहाँ पे आप लोगों को फटाफट से दर्शन कराते हैं आप लोगों को। चलो मेन घाट पे चलते हैं और दर्शन कराते हैं यहाँ के। ये देख सकते हो मेरा ब्रह्मकुंड घाट, काफ़ी श्रद्धालु है आज और भीड़ भी काफ़ी है, गर्मी भी काफ़ी है, दोनों चीज़ काफ़ी चल रही है पूरी तरीके से। ये देखिएगा कितने ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो, और स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग। सामने भी आप लोग देख सकते हैं, सामने तरफ भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, ये देखो पूरी तरीके से, देख रहे हो कितने लोग हैं, ये देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देख सकते हो सामने ब्रह्मकुंड घाट के नज़ारे पूरी तरीके से, और ये गाले घाट के भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। देखो काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पे स्नान करते हुए दिख रहे होंगे तुम्हें, ये देख सकते हो सामने तक। ये देखो दोस्तों पूरी तरीके से भीड़ देख सकते हो, सामने रहा महिला वाला घाट, कितनी ज़्यादा भीड़ है देखो। और जिस घाट पर मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं मालवी घाट, सामने रहा महिला घाट, काफ़ी भीड़ है देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देख सकते हो पूरी तरीके से, देखो गंगा जी की बड़ी वाली धारा की तरफ लहरों में इन लोगों को देख रहे हो। ये देखो किस तरह से डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हो आपको चैन को पकड़ते हुए देखो। और यहाँ पे बीच में तो कुछ ज़्यादा ही भाव रहता है भाई सच में इन लोगों को, लेकिन देख लो पूरी तरीके से किस तरह से ये लोग स्नान करते हैं यहाँ पर बीचों बीच गंगा की धारा में, आप लोग देख ही सकते हो। और सामने घाट के भी आप लोग दर्शन कर ही लिए, और ये रहा मालवीय घाट, यहाँ के भी आप लोगों ने दर्शन कर लिए पूरी तरीके से। लेकिन ये देखिएगा इन लोगों को देखो पूरी तरीके से, ये देख सकते हो दोस्तों शिव वाले घाट की तरफ, और माँ गंगा की भी मूर्ति आप लोग देख सकते हो बीचों बीच में, दिख रही है, ये देख लो पूरी तरीके से माँ गंगा की भी मूर्ति आप लोगों को बीचों बीच में दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, देख रहे हो स्नान करते हुए, देखो सूर्या देखो भाई, अरे ये देखो भाई बीचों बीच में किस तरह से गए, देख रहे हो, ये देखो बीचों बीच की धारा में आप लोग देख सकते हो गंगा जी की किस तरह से ये लोग, ये देखो दर्शन करके फटाफट से दर्शन कर लिए सभी घाट के, आप लोगों को भी दर्शन कराए काफ़ी अच्छा लगा। धूप भी गर्मी भी बढ़ने लगी है भाई, काफ़ी तेज़ लगने लगी है, फटाफट से चलते हैं। बाकी ऐसे आप लोगों को हरिद्वार के नए अपडेट दिखाते रहेंगे, देख रहे भाई धूप कितनी तगड़ी लग रही है भाई, सच में भयंकर धूप लग रही है, ये देखो। लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मस्त लगा सभी घाट के दर्शन कराए ना, गर्मी भी बढ़ने लगी है, निकलते फटाफट से बाकी और सभी घाट के दर्शन कराने। ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से बराबर से। और सामने घाट के आप लोगों ने व्यू देख लिया यहाँ से पूरी तरीके से, ये देखो कितने प्यारे व्यू आ रहे हैं यहाँ से, ये देखिएगा ये रहा शिव घाट, यहाँ के नज़ारे देख लो एक बार, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ से भी एक बार पूरी तरीके से दर्शन कर लीजिएगा, ये देख लो
करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त। जय माँ गंगे नमामि गंगे, ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आते रहेंगे और हरिद्वार के दर्शन आप लोगों को कराते रहेंगे। ठीक है, जय माँ।